And I'm up through the night. I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind. About who I'm supposed to be. I start to believe. Can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. So, hi friend, how are you? My YouTube channel is राइडर पर सोफ एंड एम्बलर की जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे बाइक के ऊपर ही वीडियो है। मतलब मेरा बाइक पे अभी पॉलिश करने जा रहा हूँ। सो लेक्सी क्या होता है वो तो अब वीडियो देख के आपको पता चल ही जाएगा। और ये जो पॉलिश है आप बोल सकते हो बेस्ट पॉलिश, मतलब मैं 3-4 पॉलिश यूज़ किया हूँ उसके हिसाब से कंपेयर कर जाए तो ये बेस्ट पॉलिश है और ये मेड इन USA है। और देखते लेक्सी कैसा होता है वो तो आपको वीडियो देख कर पता चल ही जाएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल पर। या जो रेड कलर के बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए और उसके बगल पर जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए कि वो क्या होगा, मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर आपके मोबाइल पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके कारण बोल रहा हूँ भाई। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है srider8281, चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और मेरे साथ कुछ बात करना है तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ भाई। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर srider8281 लिख कर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। सो चलते हैं अभी वीडियो स्टार्ट करने देते। और अभी जो बाइक है वो मतलब गंदी हो रखा है उसको पहले वॉश करूंगा, उसके बाद ही जो पॉलिश का सारा प्रोसेस है वो आपको दिखाऊंगा। सो मतलब सिंपल प्रोसेस है और ये आप घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो चलते हैं और आप वीडियो पूरा देखिए। बाय, मिलता हूँ सीधा बाइक के पास। सो अभी का बाय। सो गाइज अभी आप बाइक देख सकते हो और बाइक का कंडीशन भी गाइज देख सकते हो, मतलब चारों तरफ मिट्टी वगैरह जम गया है। और पहले क्या करना पड़ेगा, इसको पहले वॉश करूँगा और उसके बाद शैम्पू लेकर अच्छे से मतलब क्लीन करूँगा और उसके बाद ही जो पॉलिश का काम है वो स्टार्ट कर दूँगा। और गाइज देख सकते हो पीछे का टायर पर कितना मतलब मिट्टी जम गया है एलॉय पर। और पीछे का भी अभी लुक देख सकते हो कैसा है अभी कंडीशन में। और उस साइड का भी आप देख सकते हो गाइस, इस साइड पे अभी आपको दिखा रहा हूँ। और इस साइड का भी मतलब चारों तरफ मिट्टी वगैरह जम गया है और बहुत दिनों से मतलब वॉश वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया हूँ, मतलब सर्विसिंग वगैरह। और बस चलते हैं अभी वॉश कराता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ सारा प्रोसेस पॉलिश का। सो अभी वॉश करने देते हैं। Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. सो गाइस बाइक अभी बिल्कुल क्लीन हो गया है, वॉश का जो काम था वो बिल्कुल डन हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो चारों तरफ मतलब बिल्कुल क्लीन है, कोई दिक्कत वाली अभी बात नहीं है। और इंजन के साइड पे भी गाइस देख सकते हो पहले मतलब पूरा गंदा हो रखा था और अभी बिल्कुल क्लीन हो गया है। और अभी चलते हैं जो पॉलिश का काम है उसको स्टार्ट करने देते। गाइस जो पॉलिश मैं करने जा रहा हूँ वो आप देख सकते हो सुपर हार्ड सील फिनिश यहाँ पर लिखा हुआ है और किस कंपनी का है वो भी आप देख सकते हो। और मतलब पीछे का भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। और इसमें मतलब जो मतलब पानी है वो नहीं जमेगा, मतलब जहाँ पर ये पॉलिश करोगे वहाँ पर पानी नहीं जमेगा। अब एक मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वाटर प्रूफ हो जाएगा। और बस अभी देखते हैं कैसा होता है और पहले टैंक पर पॉलिश करके देखते हैं कैसा होता है। और मेरे बादर अभी ये कर रहा है।
सो चलते इसको अभी होने देते। पहले क्या करना होगा, पहले जो प्रोसेस है इसको आपको चारों तरफ मतलब जो टैंक है चारों तरफ लगा देना होगा जहाँ पर ये पॉलिश करोगे, और वहाँ पर लगाने के बाद थोड़ा देर रुक जाना पड़ेगा इसको सुखाने के लिए। और सूख जाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो गाइस अभी सूख गया है, कुछ देर बाद आप ये वीडियो शूट करके आपको दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा सूख गया है। और उसके बाद आपको मतलब अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। और अभी चलते चारों तरफ जो पॉलिश का प्रोसेस है वो कर देता हूँ, मतलब पॉलिश कर देता हूँ। और पॉलिश करने के बाद कुछ देर बाद ये मतलब क्लीन करूँगा, और क्लीन करने के बाद कैसा होता है वही आपको दिखाऊँगा। सो अभी जो पॉलिश मतलब जहाँ पर करना चाहिए वो पर अभी कर दे रहा हूँ, मतलब ग्लॉजी फिनिश जहाँ पर है वो पर ही करना मतलब बेटर होगा। और बस चलते ये जो प्रोसेस है इसको अभी ख़त्म करने देते। और जैसे कि आप देख सकते हो हाईलाइट पे भी कर रहा हूँ, ब्लैक स्मोक किया हुआ है हाईलाइट, उसके वजह से दे रहा हूँ। और ऊपर में रैपिंग पे भी एक बार दे रहा हूँ, और मतलब अच्छे से मिट्टी वगैरह क्लीन हो जाएगा। और देखते उसके बाद कैसा होता है, आपको तो सारे चीज़ मतलब वीडियो के थ्रू पता चल ही जाएगा। और बस अभी ये जो प्रोसेस है चारों तरफ पॉलिश लगाने का ये अभी होने देते हैं, और इसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। गाइस अभी चारों तरफ पॉलिश हो गया है, और जैसे कि आप देख सकते हो फ्रंट का जो मोटगट है वो वहाँ पर भी पॉलिश कर दिया हूँ, मतलब जहाँ जहाँ पर करना चाहिए वहाँ पर पॉलिश कर दिया हूँ। और पॉलिश होने के बाद कैसा लग रहा है अभी गाइस देख सकते हो। और इसके बाद जो प्रोसेस है ये पहला प्रोसेस था, और सेकेंड जो प्रोसेस है वही मतलब एंड प्रोसेस है। इसको अच्छे से क्या करना होगा, क्लीन करना पड़ेगा, और थोड़ा देर मतलब पहले रुक जाना पड़ेगा, इसको सूख जाने देते हैं, और उसके बाद ही मतलब आपको क्लीन करना पड़ेगा। और नहीं तो भाई थोड़ा जो मतलब चमक है वो उतना ज़्यादा खास नहीं होगा, और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसको सूख जाने दे और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। गाइस अभी जो लास्ट प्रोसेस है वो है जहाँ जहाँ पर बाइक को पॉलिश किया हो वहाँ पर अभी क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से, और मतलब आपको एक कपड़ा लेना पड़ेगा और अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। और ये जो कपड़ा है ये माइक्रोफाइबर का मतलब कपड़ा होगा तो अच्छा होगा, और नहीं तो थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह लग सकते हैं, उसके वजह से बोल रहा हूँ। माइक्रोफाइबर जो कपड़ा है वो बेस्ट है इसके लिए, सो वो मेरे पास अभी नहीं है, उसके कारण मैं दूसरा कपड़ा लेकर मतलब नॉर्मल जो कपड़ा होता है वही लेकर अभी क्लीन कर रहा हूँ। सो देखते हैं लेक्सी क्या होता है, वो आपको दिखाऊंगा सारे चीज़। और गाइस देख सकते हो अभी क्लीन हो रहा है, और बस अभी होने देते हो और क्लीन करके आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। सो गाइस अभी आप देख सकते हो पूरा इधर साइड पर क्लीन कर दिया हूँ, और कैसा ग्लॉजीनेस मतलब चमक रहा है कैसा वो आप देख सकते हो। गाइस टैंक पर अभी आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से जितना हो सकता है, मैं अभी मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। गाइस अभी जो बाइक का साइड बॉक्स है वो उसको क्लीन कर रहा हूँ, और बस आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। जो पॉलिश मतलब किया था वो अच्छे से जम गया है, उसके वजह से आपको थोड़ा सा प्रेस करके क्लीन करना होगा, और तभी जो चमक है वो आपको अच्छे से दिखने को मिल जाएगा। सो बस चलते अभी गाइस आप देख सकते हो कैसा मतलब दिखने लायक हुआ है टैंक और जो साइड बॉक्स है वो, और आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ टैंक गाइस देख सकते हो। और मतलब टैंक ये जो टैंक है इसमें बहुत सारा स्क्रैचेस वगैरह है, और 11 ईयर का एज का बाइक है, आप समझ सकते हो कैसा मतलब होना चाहिए। और अभी कैसा हुआ है पॉलिश करने के बाद वो भी आप गाइस देख सकते हो कैसा लग रहा है, बिल्कुल नया जैसा ही लग रहा है। और चलते हैं अभी जो फ्रंट का जो पॉलिश मैं किया हूँ रैपिंग के ऊपर ये भी आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। जैसे कि गाइस देख सकते हो अभी कपड़ा लेकर अभी क्लीन करके आपको दिखा रहा हूँ, और चलते हैं ये जो क्लीन है रैपिंग ये हो जाने देते, और उसके बाद ही लाइट भी क्लीन करूँगा। सो गाइस देख सकते हो गाइस अभी जो साइड का जो स्टिकरिंग है यहाँ पर अभी क्लीन कर रहा हूँ, और देख सकते हो गाइस कैसा मतलब चमकता है रहा है, और मतलब बिल्कुल अच्छा चमक रहा है। और गाइस देख सकते हो आपको अच्छे से एक बार दिखा रहा हूँ, और अभी चलते जो हेडलाइट है हेडलाइट को भी अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। और गाइस देख सकते हो ऊपर का साइड पे क्लीन करने के बाद कैसा लग रहा है, और मैट रैप कर मतलब कर रखा हूँ उसके वजह से ऐसा लग रहा है, और ये मैट कलर है उसके वजह से। और हेडलाइट देख सकते हो गाइस कैसा लग रहा है, और अभी नीचे का जो मोटगट है यहाँ पर भी अभी क्लीन कर दे रहा हूँ, और देखते
कैसा लगता है सब कुछ होने के बाद, आपको अच्छे से सिनेमेटिक टाइप दिखाने मतलब कोशिश करूँगा। सो देखते क्या होता है। और अभी ये जो क्लीन का प्रोसेस है ये शेष होने देते हैं। और बस अभी गैस देख सकते हो कैसा मतलब चमक रहा है ये जो मॉडगार्ड है ये। और अभी चलते पीछे पे आपको क्लीन करके दिखाता हूँ कैसा होता है। और नीचे के साइड पे भी अभी क्लीन करना बाकी है, वो भी कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा होता है ओवरऑल। सो मेरे ख्याल से तो सही है गैस। अभी देख सकते हो नीचे पर जो मॉडगार्ड है उसके नीचे पर अभी क्लीन कर रहा हूँ और कैसा हुआ है गैस वो भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, आपको अच्छे से मतलब प्रेस करके क्लीन करना पड़ेगा। बस उसके बाद ही आपका जो बाइक है मतलब जहाँ पर आप पॉलिश किया हो वो अच्छे से चमक मतलब चमकेगा, उसके वजह से बोल रहा हूँ भाई। और बस अभी ये हो गया है। और गैस आप देख सकते हो फ्रंट का भी लुक कैसा मतलब दिखने लायक हुआ है। अभी उतना ज़्यादा आपको नहीं मतलब जस्टिस हो पाएगा, आपको अच्छे से एक बार दिखाऊँगा सिनेमेटिक टाइप करके बाहर जाके रोड पे जाके। सो अभी यहाँ पर जो पॉलिश है उसको क्लीन करने का जो प्रोसेस है वो सारा आपको यहाँ पर ही दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको रोड पे जाके दिखाऊंगा कैसा होता है। और अभी पीछे पे जो पॉलिश था वो अभी क्लीन कर रहा हूँ। सो देखते अभी इसको हो जाने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो गाइस पॉलिश का जो सारा प्रोसेस था वो आपको दिखा दिया हूँ। और अभी मैं बाइक को लेके एक रोड पे आया हूँ और आपको दिखाने के लिए अच्छे से कैसा मतलब दिखने लायक हुआ है गाइस। आप देख सकते हो पीछे का लुक भी आप गाइस देख सकते हो कैसा लग रहा है, और साइड का भी लुक आप गाइस देख सकते हो कैसा लग रहा है। और अभी बाइक के ऊपर के साइड पर भी आपको दिखा देता हूँ कैसा पॉलिश हुआ है गाइस। आप देख सकते हो टैंक वगैरह और जो मीटर कंसोल है वो कैसा लग रहा है गाइस, वो भी आप देख सकते हो। मतलब इस बाइक का एज अभी 11 ईयर हो गया है, और मतलब 11 ईयर होने के बाद भी कैसा चमक रहा है गाइस वही आपको दिखा रहा हूँ। और पॉलिश करने के बाद मतलब बिल्कुल लाइक आप बोल सकते हो न्यू जैसा ही लग रहा है बिल्कुल। और पहले कैसा था और अभी कैसे दिखने लायक हुआ है वो गाइस अब तो वीडियो देख के मतलब पता चल ही गया है। और अभी दिख के लग रहा है बिल्कुल मतलब न्यू बाइक खरीदने के टाइम में जैसा चमकता है बिल्कुल वैसा ही चमक रहा है। सो गाइस ये बड़ी वीडियो को करता हूँ। और जो पॉलिश मैं खरीदा हूँ वो फ्लिपकार्ट से खरीदा हूँ, और पॉलिश का जो लिंक है आप चाहो तो वो खरीद सकते हो। पॉलिश का जो लिंक है वो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। और ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है भाई, बस ऐसे ही मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिश का लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो खरीद सकते हो। और उसका जो कॉस्ट है 600 रुपीज लगभग है वैसा कुछ। सो चलते अभी यह बड़ी वीडियो को एंड करता हूँ। सो बाय, हैव ए गुड डे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।